आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। आज कवर करेंगे 19 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। हालांकि क्लास रोज सुबह में 4:30 बजे चलता है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम था और वो प्रॉब्लम मैंने आप सभी को टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दिया था। तो सुबह में 17 और 18 तारीख का मिल गया, अभी 19 तारीख का अप टू डेट करवा दे रहा हूं। अगली बार 20 सितंबर से आपका क्लास जो है वो सुबह में 4:30 बजे ही चलेगा। और चैनल के ऊपर जो भी नए हैं या जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट मिलता रहे। और लास्ट के 3 महीने का करेंट अफेयर बहुत अच्छे से पढ़ो, सेप्टेम्बर अक्टूबर नवम्बर इतना अच्छे से पढ़ो ताकि इसमें एक क्वेश्चन भी ना छूट जाए। अगर लगता है कोई क्वेश्चन 10% भी इंपॉर्टेंट है ना, तो वो भी पढ़ना है आप सभी को डेली, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पर स्कोर करना बहुत आसान है अगर इसको अच्छे से पढ़ लिया जाए तो। क्लास अच्छा लगता है तो एक लाइक आप सभी जरूर करिएगा। और इसका सारा पीडीएफ टेलीग्राम के ऊपर जो है मिल जाएगा। टेलीग्राम के चैनल का नाम क्या है आपका? सक्सेस की 98। और मंडे से जो है आपका क्लास जैसे चल रहा था वैसे ठीक टाइमिंग पर आपका मंडे का जो क्लास है वो आपका चलेगा। और आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, कौन सा देश है ना जो असल चीनी और रियल शुगर, बंगाली में असली को असल बोलते हैं, असल चीनी और रियल शुगर एक नाम, एक कैंपेन, एक अभियान चालू किया है ताकि सोशल मीडिया के ऊपर ना चीनी को लेकर बहुत सारा जो भ्रम बोल सकते हो फैलाया जा रहा है कि ये चीनी असली नहीं है, ये चीनी नकली नहीं है, इसके खिलाफ एक कैंपेन चलाया जा रहा है। यह कौन चला रहा है आपका? ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश का प्रधानमंत्री का नाम शेख हसीना। मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं वहां पर? टाका। वहां का राजधानी कैपिटल क्या है आपका? तो वो है आपका ढाका। निम्नलिखित में से कौन से रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अध्यात्मवादी श्री, क्या नाम है इनका, सिद्धरोधा स्वामी रखा गया है? कौन से रेलवे स्टेशन का? और एक बात, जितने भी नाम चेंज हुए हैं ना हाल फिलहाल में उसका भी लिस्ट मैं आपको दे दूंगा, वो भी पढ़ लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो किस रेलवे स्टेशन का नाम चेंज किया गया है? तो हुबली। ये कहां पड़ता है भैया? ये पड़ता है आपका कर्नाटका में, इसका नाम चेंज कर रखा गया है। और एक बात, कर्नाटका का राजधानी बेंगलुरु। मुख्यमंत्री बीएस उदयप्पा, राज्यपाल बजूभाई वाला, वहां के मुख्य न्यायाधीश कौन है? अभय श्रीनिवास ओका। लोकसभा सीट 28 और राज्यसभा सीट 12। ये सारे पॉइंट डेली करवा रहा हूं, 2 से 3 क्वेश्चन बनेगा। कैपिटल, करेंसी, प्रेसिडेंट, गठन कब हुआ, ये सब टॉपिक डेली करवाता हूं, 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में मिलेगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने नागा टेली हेल्थ प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जहां पर जो मरीज है ना वो अपने घर में आराम से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से डॉक्टर या फिर जो भी एक्सपर्ट है उनसे कंसल्ट कर सकते हैं वर्चुअली ऑनलाइन। यानी मान लो अब उनको हॉस्पिटल भी जाना नहीं पड़ेगा, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ना वो क्या कर सकते हैं, वो डॉक्टर लोगों से जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं। इसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, नागा टेली हेल्थ प्लेटफॉर्म। किसने बनाया है आपका? नागालैंड ने, ऑप्शन नंबर हमारा बी। अच्छा, नागालैंड का कैपिटल क्या है आपका? कोहिमा। मुख्यमंत्री वहां के, और हाँ राज्यपाल याद रखिएगा, आरएन रवि। चीफ जस्टिस कौन है? मुख्य न्यायाधीश अजय लंबा। लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट आपका 1। कहां के राज्य ने डॉक्टर को ऑनलाइन यानी घर में बैठे फिर भी जितने भी एक्सपर्ट है मेडिकल लाइन के डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ऐसा पोर्टल, ऐसा प्लेटफॉर्म किस राज्य ने लॉन्च किया है? आपका नागालैंड ने। अगला क्वेश्चन हमारे सामने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, भारतीय रेलवे ने दूसरी किसान रेल शुरू कर दी है, कहां से कहां तक? आपको पता है ना लॉकडाउन में पहला किसान रेल चालू किया गया था कहां से?
तो देवलाली जो नासिक में पड़ता है, यहां से लेकर दानापुर स्टेशन बिहार तक, ये तो आपका पहला किसान रेल चालू किया गया था, याद रखना ये क्वेश्चन। दूसरा कहां से? आपका अनंतपुर, जो आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है, यहां से लेकर आदर्श नगर न्यू दिल्ली में। तो दूसरा किसान रेल कहां से कहां चालू किया गया है? आपका ऑप्शन नंबर बी, और पहला आपका देवलाली जो नासिक में पड़ता है, वहां से दानापुर स्टेशन बिहार तक। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन बैंक उधारकर्ताओं को राहत के आंकलन में सहायता के लिए सरकार के द्वारा गठित 3 सदस्य है, जो एक्सपर्ट की समिति बनाई गई ना, उसका हेड कौन होगा ये आपको बताना है। इनका नाम क्या है? राजीव महर्षि, ऑप्शन नंबर हमारा सी। और आप सभी तो सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा था, कुछ दिन पहले नोटिस जारी किया गया था, एक हफ्ता पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला था हर एक बैंक को, जितने भी डिफॉल्टर है लोन के उनका लिस्ट जारी करिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ने रिक्वेस्ट किया सुप्रीम कोर्ट को कि प्लीज अभी ये लिस्ट जारी करने की अनुमति ना दे, क्योंकि डिफॉल्टर बहुत ज्यादा हो गए, बैंक का बहुत सारा पैसा डूब चुका है। अगर लिस्ट जारी कर देता है बैंक तो क्या होगा, इस महामारी में जिस तरह हर पॉलिसी फेल हो रही है, अर्थव्यवस्था गिर रहा है, ये लिस्ट आने के बाद मार्केट पूरा क्रैश कर जाएगा और बर्बादी की तरफ हम लोग बढ़ जाएंगे। तो यह एक रिक्वेस्ट भी जारी किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से, याद रख क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, जीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जीडीपी एग्जाम से 10 दिन पहले मैं अप टू डेट करूंगा जीडीपी को लेकर सारे क्वेश्चन, क्योंकि अभी कितना कितना टाइम टाइम पर बदलाव चेंजेस आते रहते हैं, तो 10 दिन पहले ही हर एक लिस्ट पढ़ना सही रहेगा। लेकिन हाल फिलहाल में क्रिसिल, जो क्रिसिल है जो बहुत बड़ा आपका जो प्रिडिक्शन देता है, एनालाइज करता है, ठीक है, इसके अनुसार, इस एजेंसी के अनुसार भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि पहले अनुमान लगाया गया था -5%, अब कितना लगा दिया गया है, पहले -5% जीडीपी बताया गया था क्रिसिल एजेंसी के द्वारा, लेकिन अब इसको बढ़ाकर -9% कर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। तो आप ये याद नहीं रखेंगे फिर भी चलेगा, ये डाटा याद रखना अब ताजा वाला, इसीलिए मैं बोल रहा हूं हर महीने चेंज हो रहा है, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था दिन पर दिन गिर रही है तो एजेंसी भी अपना जो डाटा है वो चेंज कर रही है। तो एग्जाम से 10 दिन पहले ये सब पढ़ना सही रहेगा, अप टू डेटेड। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, 2020 में फ्रीलेंसिंग एंड एबंडेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी की एक रिपोर्ट के अनुसार जितने भी पायनियर द्वारा, कौन सा देश दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ फ्रीलांस मार्केट बन गया? अब ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में नहीं आया, मैं समझाता हूं। ये फ्रीलांस होता क्या है भैया, ये कैसा रिपोर्ट है? देखो, मान लो एक आदमी है, वो सिर्फ एक कंपनी में काम नहीं कर रहा है, एक कंपनी में सिर्फ काम नहीं कर रहा है, उस आदमी के पास ना बहुत सारा टैलेंट है, उसको पढ़ाना भी आता है, ठीक है, उसको बिजनेस भी करना आता है, उसको जितने भी टेक के काम होते हैं, डेवलपर के, वो भी काम करना आता है। तब वो जो आदमी है वो सिर्फ एक कंपनी में काम नहीं कर रहा है, वो अपना टैलेंट ना अलग 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 हर एक कंपनी में दे रहा है, यानी वो एक कंपनी के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो इस मामले में, फ्रीलांसिंग के मामले में, कौन सा देश जो है वो दूसरे नंबर पे है? तो आपका भारत, ऑप्शन नंबर बी। पहले पर कौन है आपका? तो अमेरिका, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, एशियाई विकास बैंक ने किस देश को सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को विकसित करने और लागू करने के लिए $50 मिलियन का ऋण यानी कि लोन प्रदान करेगा? एशियाई विकास बैंक ना, या अफ्रीका डेवलपमेंट बैंक, पिछले कुछ महीने से बांग्लादेश को बहुत हेल्प कर रहा है। आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। एशियाई विकास बैंक का चेयरपर्सन मासाटी सुगु आसाकावा, हेडक्वार्टर मंडलयुंग जो आपका फिलीपींस में पड़ता है, गठन कब हुआ था? 19 दिसंबर 1966 को। जितने भी एक्स्ट्रा टॉपिक करवा रहा हूं अलग से, 2 से 3 क्वेश्चन ईच एंड एवरी शिफ्ट याद रखिएगा, एग्जाम के दिन मैं बताऊंगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, किस राज्य की सरकार ने
सौ सहायता समूह की मदद से संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन का जो प्रोग्राम है ना, जो अभियान है विश्व खाद्य कार्यक्रम के निर्माण और घर घर तक राशन के वितरण के लिए एक समझौता डील साइन किया है। किसके साथ? तो संयुक्त राष्ट्र के साथ। संयुक्त राष्ट्र के साथ विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत घर घर तक राशन पहुंचाने के लिए, वितरण करने के लिए कौन सा राज्य सरकार जो है वो संयुक्त राष्ट्र के साथ हाथ मिलाया है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। अब यूनाइटेड नेशन का जो हेड है उनका नाम क्या है? आपका एंटोनियो गुटेरेस। गठन कब हुआ था इसका? 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय कहां पर है इसका? न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में। और उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर, लोकसभा सीट 31 और राज्यसभा सीट आपका, और राज्यसभा उल्टा लिख दिए यहां पर, तो लोकसभा सीट आपका 80 होगा और राज्यसभा सीट कितना होगा आपका? 31 उत्तर प्रदेश का, जो सबसे ज्यादा है पूरे देश में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, 29 से 30 नवंबर तक 2020 में संघाई सहयोग संगठन, जो संघाई सहयोग संगठन के प्रमुख की सरकार की बैठक की मेजबानी करेगा, यानी संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो मीटिंग होने वाला है 29 से 30 नवंबर के बीच में, उसका हेड कौन रहेगा, कौन होस्ट करेगा? तो आपका इंडिया, ऑप्शन नंबर हमारा सी, इंडिया जो है वो मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने काफी इंपॉर्टेंट, कौन सा राष्ट्र पर्यवेक्षक के रूप में क्या है यहां पर, जी ब्यूटी आचार संहिता या इसका एक और नाम है आपका, क्या नाम है, जेदा संशोधन में शामिल हो गया है। इस कमीशन में, इस कोड ऑफ कंडक्ट में कौन सा देश जो है वो शामिल हो गया है? टोटल इसके अंदर 18 मेंबर है, 18 कंट्री है इसके अंदर, जिसमें अब इंडिया को भी शामिल कर लिया गया। अब ये क्या है भैया? मैराटाइम। जितने भी समुद्री इलाके से जितने भी जहाज आते हैं, जितना भी बिजनेस होता है समुन्दर के सहारे, वहां पर फ्रॉड ना हो पाए, धोखाबाजी ना हो पाए। आपने देखा होगा ना कि समुन्दर के रास्ते से बहुत बड़ा जहाज आ रहा है बहुत सारे सामान को लेकर, और अचानक पता चलता है वो जहाज को गायब कर लिया गया। जहाज कहां गया पता ही नहीं। क्या होता है, समुद्री जो भी डाकू होते हैं ना वो जहाज को लूट लेते हैं। तो ये सब सिक्योरिटी के ऊपर, यानी ये सब चीज के ऊपर अच्छे से ध्यान दिया जा सके, इस संगठन का यही काम है मेन, और इसके अंदर इंडिया को भी शामिल कर लिया गया है। टोटल 18 मेंबर है। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, भारत। क्वेश्चन कट टू क्लियर, आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, संयुक्त राज्य अमेरिका। आप सभी को पता है अमेरिका और चाइना में अभी तनातनी बहुत ज्यादा है, फूटी आंख भी अमेरिका चाइना को देखना नहीं चाहता है। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस राष्ट्र में दारा सोकर विकास परियोजना के निर्माण के लिए ना भूमि जब्त करने के लिए एक चीनी कंपनी है जिसको मंजूरी दी है? तो आपको बताना है यह मंजूरी अमेरिका के द्वारा किस कंट्री में दिया गया? कंबोडिया, ऑप्शन नंबर हमारा सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी अमेरिका किसी चाइना को परमिशन दे बहुत बड़ा बात है इस दौर में। तो आंसर क्या होगा आपका, कहां पर परमिशन दिया गया आपका? कंबोडिया में। और कंबोडिया कैपिटल क्या है आपका? तो याद रखिएगा, करेंसी रियल याद रखिएगा, प्रधानमंत्री याद रखिएगा, कौन है वहां का? हन सेन। ठीक है, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर 19 सेप्टेंबर का। सारा पीडीएफ अभी जाकर संग संग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना आप सभी, मैंने डाल दिया है या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास अच्छा लगा होगा जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, एक लाइक आप सभी जरूर करिएगा। चलो सभी को गुड नाइट, अपना ख्याल रखना, अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा का भी और अपने देश का भी। जय हिंद।